सत्संग चल रहा है हमारे समय के पैगंबर माता सुदीक्षा जी का निगरानी में चल रहा है, उनकी ही देख रेख है। और यहाँ हम लोग इसके माध्यम से देना चाहते हैं कि लोग मानव जितने हैं सब एक हों, एक जगह होकर कर करके ये मानव जन्म को जो हम लोग कहते हैं कि भाई सार्थक करना है, मुक्ति पाना है, तो इस मुक्ति पाने के लिए हम लोग एक हो रहे हैं। और भाईचारे इसमें है, मेन उद्देश्य है भाईचारे। हम लोग ब्रह्म की प्राप्ति करवाते हैं और धर्म की समाप्ति। जब तक हम ब्रह्म नहीं जानते हैं तब तक मुझे मानव का समझ में नहीं आता कि हम मानव हैं, हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं। हम लोग सब भाई भाई हैं, कहने के लिए तो कह लेते हैं, लेकिन इस पर उतरने के लिए मुझे अपने आप को अर्पण करना पड़ता है। जब तक हम सच्चाई नहीं जानेंगे, अपने पिता को नहीं जानेंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि हम लोग एक हैं। तो हम लोग इस समय के पैगंबर ये निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के मालिक को दीदार कराते हैं, दिखाते हैं। और आज उसी के उद्देश्य पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रभु परमात्मा को देख करके हम लोग भक्ति कर रहे हैं और लोग को जागृत करें कि हे इंसान, तुम भी आकर के अपने मूल को पहचान कर ले और समय रहते अपने आप को मुक्ति के धाम प्राप्त करें। यही इसका मेन उद्देश्य। अभी आप रविवार को, हर रविवार को यहाँ कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम का क्या, किस तरह का कार्यक्रम? यहाँ एक कार्यक्रम हर रविवार को होता है। आए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ का मुखी श्रीमती माधुरी गुप्ता जी हैं और यहाँ का इन्हीं की निगरानी में चलता है। और जब भी होते हैं तो बाहर से अपने प्रचारक को बुला कर कर करके सभी को, यहाँ के लोग को जागृत करते हैं कि भाई तुम इस माध्यम से जुड़ कर कर करके निंदा नफरत से दूर होते हुए साथ में आगे बढ़ो और नहीं किसी से लड़ना है न झगड़ना है, सब में आपस में मिल कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि हम हकीकत में मानव हैं या नहीं। राष्ट्रीय राजद महात्मा जी के चरणों में प्राप्त करेंगे, इनके बाद साधनता का दर्श करेगा, कौशल्या वर्ग जी के चरणों में वो भी तैयार है। आशीर्वाद के लिए दिनाले हो साधन जी, राष्ट्रीय पाता का प्रणाम दिला सकते, बड़ी कृपा हो।